जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जो मंत्रा में। तो दोस्तों, अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करो तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलेगा, क्योंकि शिक्षा, रोजगार और आंगनबाड़ी बहनों के संबंधित भारत के किसी भी राज्य की कोई भी छोटी या बड़ी न्यूज़ होती है तो हम आपके लिए सबसे पहले लेकर आते हैं। अगर आप आंगनबाड़ी आशा कार्यकर्ता हो और भारत के किसी भी राज्य के रहने वाले हो तो हम आपके लिए न्यूज सबसे पहले लेकर कहते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलेगा। तो जगह जगह हर राज्य में मानदेय को बढ़ाने के लिए आंगनबाड़ी आशा बहनें आंदोलन कर रही है। जैसा कि आपने देखा होगा, यूपी में बहुत दिनों तक आंदोलन चला था और उनका मानदेय योगी सरकार ने कल ही घोषणा की थी। तो वैसे ही अभी हरियाणा में भी बहुत आंदोलन चल रहा है, आज भी था और कल देशव्यापी आंदोलन करने की बात कही जा रही थी। तो ऐसे करके मतलब हर राज्यों में, कई राज्य ऐसे जिन्हें सेंट्रल गवर्नमेंट ने घोषणा करने के बाद भी उन्होंने मानदेय की जो जितनी राशि की घोषणा करनी थी वो भी अभी तक नहीं की, उसको देखते हुए बहने जगह जगह आंदोलन कर रही है और हम आपके लिए न्यूज़ भी हर डेली बेसिस पे लेकर के आते हैं। तो वैसे ही आज एक मैं बहुत बड़े स्टेट के लिए लेकर के आया हूँ, मानदेय में बढ़ोतरी के लिए। तो आपको पता होगा कि मानदेय बढ़ाया जा रहा है, लेकिन उतना नहीं कि जितना मतलब आज के टाइम पे जितनी महंगाई और सारी चीज़ें देखते हैं तो उस हिसाब से मतलब बढ़ोतरी नहीं हो रही है। उसको भी ध्यान में रखते हुए आशा बहनें डिमांड करती रही है और आगे भी करती रहेगी, क्योंकि जब तक नहीं बढ़ेगा तब तक डिमांड बहनें करती रहेगी। तो देखते हैं आज कौन से स्टेट की न्यूज़ है, बहुत बड़ी न्यूज़ है, कुछ मानदेय बढ़ाया है स्टेट की। और आप भी लोगों के बहुत ज़्यादा कमेंट भी आते हैं कि सर हम स्टेट से बिलोंग करते हैं, हमारे लिए भी न्यूज़ लेके आए। तो दोस्तों बताना चाहूँगा, उड़ीसा से मेरे पास में बहुत ज़्यादा मैसेज आ रहे थे कि सर उड़ीसा में क्या चल रहा है, आंगनबाड़ी बहनों के लिए क्या घोषणाएँ हुई है। तो उड़ीसा में बहुत बड़ी घोषणा हुई है, चुनाव से पहले आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को सरकार का तोहफा, बढ़ाया मानदेय। उड़ीसा में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले राज्य की नवीन पटनायक सरकार ने यहाँ के 1,45,000 आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायकों, लघु आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को बड़ा तोहफा देते हुए उन्हें एक विशेष पैकेज की भी घोषणा की है। उड़ीसा सरकार ने शनिवार को 1,45,000 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, सहायकों, लघु आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को बड़ा तोहफा देते हुए उनके लिए एक विशेष पैकेज की घोषणा भी की है। सरकार द्वारा इन सभी के मासिक मानदेय को बढ़ाने और सेवानिवृत्ति की आयु को भी बढ़ाने का फैसला लिया है। राज्य चुनाव से पहले फैसले के लिए घोषणा करते हुए नवीन पटनायक ने कहा कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को मानदेय 6,000 रुपये जो था वो अब 7,500 रुपये कर दिया गया और लघु आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का जो था 4,125 रुपये था वो 5,375 कर दिया गया है और आंगनबाड़ी सहायकों का जो 3,000 रुपये था वो 3,750 रुपये कर दिया गया है। तो खजाने पर इससे 73.39 करोड़ का बोझ भी आएगा। उन्हें बताया कि इस विशेष पैकेज से प्रदेश सरकार का प्रतिवर्ष 73.39 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। इस दौरान पटनायक ने कहा, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, सहायकों, लघु आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की सेवा से हटने के लिए आयु भी 60 साल से बढ़ा करके 62 साल कर दी गई है। बताया जा रहा है कि सरकार इस फैसले के तहत मासिक मानदेय में वृद्धि 2 अक्टूबर 2018 से प्रभावी होगी और जल्द ही सभी लाभार्थियों को इसका भुगतान भी कर दिया जाएगा। और जो सेवानिवृत्ति पे भी इनको 20,000, 10,000, 5,000 ऐसा कुछ अमाउंट भी दिए जाने की बात कही है उन्होंने। तो अच्छी है घोषणा है, लेकिन इतनी मतलब अभी भी कम है मानदेय, लेकिन जो भी बढ़ा वो ठीक है। तो ऐसे आंगनबाड़ी बहनों के लिए जो भी न्यूज़ होगी, आप कौन से स्टेट से बिलोंग करते हो तो मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताएगा, मैं उसी स्टेट का आपके लिए न्यूज़ क्या स्टेटस चल रहा है मानदेय और स्थायीकरण से रिलेटेड कोई भी न्यूज़ होगी तो मैं आपके लिए लेकर के आऊँगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब और बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा, जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट आंगनबाड़ी बहनों से संबंधित मिल सके। तो जय हिंद, जय भारत।